मैं डॉक्टर बीपी सिंह, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। मैं 1996 से यहाँ कार्यरत हूँ। मैंने यहाँ हृदय रोग विभाग की स्थापना की है। हमारे पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज के डेट में यह विभाग इस संस्थान में इस पूर्वोत्तर भारत का सबसे विकसित विभागों में से एक है। आजकल एक बात देखने में समस्या आ रही है, सांस फूलने की समस्या लोगों में बहुत पाई जा रही है। लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट की बीमारी हुई कि फेफड़े की बीमारी हो गई, तो आपको कुछ लक्षण भी जाना चाहिए। जब सांस फूलना सर्दी खांसी के साथ शुरू हो, हर जाड़े के सीजन में हो, जब मौसम बदले, छींक आए, खांसी होने लगे, दम फूलने, समझना चाहिए कि जरूर कुछ न कुछ फेफड़े की शिकायत है। रेस्पिरेटरी एलर्जी लोग कहते हैं, या बहुत लोग दमा भी कहते हैं, और सांस फूलना हार्ट के इलाज से भी हो सकता है, चलने से। लेकिन जो सांस फूलना पैदल चलने से, सीढ़ी चढ़ने से बढ़ जाए, गले से आवाज़ ना हो, सर्दी खांसी ना हो, तो वो सब हार्ट के चलते होता है। ये मोटा मोटी बात आपको समझना चाहिए। वैसे इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन डॉक्टर लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन जब भी ऐसा हो कि चलने में दम फूले, सीढ़ी चढ़ रहे हैं दम फूलने लग रहा है, सोते हैं दम फूलना बढ़ जाता है, तो समझना चाहिए कि हार्ट के कारण हो रहा है। और सर्दी से, छींक से शुरू हो, खांसी से शुरू हो, कफ बलगम निकल रहा हो, बुखार आया हो, तो समझना चाहिए कि फेफड़े से हो रहा है। ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा होने से अस्पताल में भर्ती होके नेबुलाइजेशन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह का लेना चाहिए। हार्ट की दवा तो चलती होगी तो डॉक्टर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी डिफरेंस आप कर सकते हैं कि लेटने से सांस फूलना बढ़े, पैदल चलने से बढ़े, सीढ़ी चढ़ने से बढ़े, तो समझिए हार्ट की बीमारी है। और दो तीन दिन से सर्दी खांसी हुआ है और दम फूलना अचानक बढ़ गया, दमा के नॉन मरीज हैं, सर्दी खांसी हुआ, अचानक दम फूलने लगा, तो स्टेटस एज मेडिकस कहते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या नेबुलाइजेशन से दवाएं दी जाती हैं। साथ में जरूरत पड़ा तो हार्ट की भी दवा पड़ती है, लेसिस वगैरह और सोर्बिट्रेट वगैरह पड़ती है, आपको आराम हो जाएगा। समय पर इलाज लेना चाहिए, जान बचने की पूरी संभावना है।